आपको आप सोते नहीं और यहाँ इंडिया ने वेस्ट इंडीज को लिटा दिया है। और लिटा ऐसा दिया कि 150 पे आउट करने के बाद अब सिर्फ 80 किए हैं, 70 भी रहते हैं, तो 80 रन हो गए हैं, कोई एक विकेट भी नहीं गिरा। जयसवाल और रोहित शर्मा ओपनर। बात करें तो वेस्ट इंडीज का बुरा हाल करके रख दिया, वेस्ट इंडीज की टीम को 150 के ऊपर आउट किया, वेस्ट इंडीज के अंदर जाके वेस्ट इंडीज की टीम को 150 पे आउट किया। मैं दोबारा मेंशन कर दूं, हाईवे पिच था, बिल्कुल सीधा पिच था, उस सीधे पिच के ऊपर जो अश्विन ने किया है वो आप सबने देखा है। उसके बाद जब इंडिया ने बल्लेबाजी की है तो इंडिया ने वेस्ट इंडीज को इंडिया की टीम ने बता दिया है कि भाई साहब आप किसके सामने खेल रहे हैं। और पहले इंडियन बॉलर्स ने और उसके बाद इंडियन बैटर्स ने जो है वेस्ट इंडीज को तोड़ के रख दिया। अगर ये कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा। अगर देखा जाए तो पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम टोटल 150 स्कोर बना और उसके बाद जो जडेजा है उन्होंने काफी, दोनों ने अच्छी बॉलिंग की है, 8 विकेट ले गए दोनों, 8 विकेट दोनों ले गए। और उसके बाद रविचंद्र अश्विन का आपको वैसे एक्सपीरियंस के बारे में पता है, काफी एक्सपीरियंस बॉलर है, उसके लिहाज से देखा जाए तो काफी बेहतर बॉलिंग है। जयसवाल और रोहित शर्मा पर अच्छा खेल रहे हैं, क्या कहते हैं आप उस वाले से? अगर ये सूरत आला फिर तो भाई मेरे नज़दीक इंडिया 100% विन है। जयसवाल की आप बात करें, जयसवाल को जैसे हमने IPL में देखा, काफ़ी वो टैलेंटेड बैट्समैन है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में अपने आप को मनवाया गए, जैसे अपने आप को शुभमन गिल, विराट कोहली के बाद शुभमन गिल ने जैसे मनवाया उस तरह। 150 पे आउट कर लिया इंडिया ने, क्या कहते थे इंडिया की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग थी कि वेस्ट इंडीज़ से समझ नहीं आई? और नहीं, इंडिया की इतनी अच्छी बॉलिंग कोई नहीं है, असल में वेस्ट इंडीज़ को टेस्ट मैच और वनडे खेलना ही नहीं आता। अच्छा, खेलना ही नहीं आता। लग रहा है मुझे लग रहा है कि एक इनिंग से हो सकता है कि इंडिया यहाँ से विन कर जाए। देखिए अब ये मैच कितने दिन में खत्म होता है नज़र आ रहा है? मुझे 3 दिन में खत्म होता नज़र आ रहा है, 3 दिन में, 3 या 4 दिन खत्म हो जाएगा। तो इंडिया को सपोर्ट करें, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोग इंडिया को सपोर्ट नहीं करते कि यार हमारा दुश्मन मुल्क है। मुख्यतः अश्विन की अगर यहाँ बात करूँ तो आज फिर कमाल की गेंदबाजी करी और वेस्ट इंडीज़ को 150 पर रिस्ट्रिक्ट किया। नो डाउट बॉलिंग शुरू में थोड़ी वेवर्ड रही। सिराज की अगर बात करूँ, शार्दुल ठाकुर की बात करूँ, उनहित की बात करूँ, तो उन्होंने जिस तरह बॉलिंग करी शुरू के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा वेवर्ड बॉलिंग करी, बॉल यहाँ से वहाँ कर रहे थे, लाइन और लेंथ नहीं बना पा रहे थे, पटकना है बॉल को, आगे रखना है, जो जो गेंद आगे किया देखें ना है, शिवनारायण चंद्र पॉल को आउट करने का और उनके बेटे जो आज खेले उनको आउट करने का, ये पहली दफ़ा क्रिकेटिंग टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर सुनहरे लफ्ज़ों में ये रविचंद्रन का नाम जो है लिखा गया है कि बाप और बेटे को दोनों को उसी ने आउट किया, दैट्स एन बिग ऑनर। लेकिन आज अगर रविचंद्रन अश्विन की तारीफ बनती है और उसने फिर कर दिखाया, उसने फिर जवाब दे दिया मैनेजमेंट को कि यार मैं अगर लायक नहीं हूँ क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के फाइनल खेलने का, क्या मैं टेस्ट क्रिकेट खेलने का लायक नहीं, उसने अपना जवाब जो है बॉलिंग से दिया, बॉल से जवाब दिया। आज 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह पहुंचा दिया, जद्दू ने उसको हेल्प किया, 3 खिलाड़ी उसने आउट किए, पिक दोनों मौजूद है, अच्छा खेल रहे हैं। जयसवाल बीच में कुछ कुछ जरा इमेच्योर सी शॉट्स खेली, लेकिन अच्छी बात है कि अभी तक कहीं दे अभी थोड़ा संभल गया। तो पहला मैच है, 50 करे, अगर खुशकिस्मत हुआ तो आगे बढ़ते हुए 100 करे, ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और दूसरी टीम बिल्कुल थले लगी हुई है, और थले लगी हुई है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम नाम से खेलो, सुकून से, कल भी 2 सेशन बैटिंग करो जयसवाल साहब और 125-150 रन बना के जाओ। के ऊपर जो अश्विन ने किया है वो आप सबने देखा है। उसके बाद जब इंडिया ने बल्लेबाजी की है तो इंडिया ने दिखाया कि ये पिच क्या था। नया ओपनिंग पेयर इंडिया की तरफ से है, जयसवाल ने डेब्यू किया, रोहित शर्मा साथ उनके आए, इसके ऊपर आएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डे 1 के स्टार्ट की, वो हाल की है, रविचंद्रन अश्विन ने दिखाया कि वो कितना बड़ा बॉलर बन चुका हुआ है। 700+ इंटरनेशनल विकेट्स ले लिए, 700+, ये बहुत बड़ा एजाज होता है किसी बॉलर के लिए कि 700 विकेट्स लेना, उससे ज्यादा पे आ चुके हैं। इसी के साथ साथ 33 दफा 5 विकेट्स ले सके हैं, इससे बड़ा एजाज इनके लिए क्या हो सकता है। अश्विन ने बताया कि वो दुनिया के हर कोने में जाके क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। वही 50 स्कोर बना सकी और 150 पर इंडिया की बॉलिंग ने वेस्ट इंडीज को ऑल आउट कर लिया। क्या कमाल की जो बॉलिंग किया अश्विन ने और क्या कमाल की बॉलिंग किया जडेजा ने, और बिल्कुल वेस्ट इंडीज को पहले ही दिन जो है लिटा के रख दिया। अगर ये कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा। और उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया ने जो है बगैर किसी विकेट के 80 स्कोर बना लिए, टोटल 60 स्कोर जो है वो इंडिया की टीम पहले इनिंग्स में पीछे है वेस्ट इंडीज़ से, जो कि आज के दिन बड़े आराम के साथ जो है बन जाएगा। वैसे तो ये लग ही रहा था
कि वेस्ट इंडीज जो है वो इंडिया को इतना टफ टाइम दे नहीं पाएगा, और पहले ही दिन जो है वो इंडिया की टीम आपको डोमिनेट करती हुई नजर आएगी, और वही चीज जो है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल करली मीडिया लेटेस्ट इंडिया। बात करते हैं मुकाबले की, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज किया टीम इंडिया ने, हमारी टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कंपेन का आगाज किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और वेस्ट इंडीज को इंडिया ने मात्र दे लेटा दिया। और उसके बाद जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने जो कैच लिया वो बहुत ही शानदार और जानदार किस्म का कैच था, जिसमें मोहम्मद सिराज ने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया और जो कैच लिया मोहम्मद सिराज ने बहुत ही काबिले तारीफ कैच था। उसके बाद जो दूसरा कैच था जो कि शुभमन गिल ने कैच पकड़ा था कैचिंग मिड विकेट पर, वो जो बहुत ही शानदार शुभमन गिल ने कैच लिया, जिसका थर्ड अंपायर ने रिव्यू किया है। और उसके बाद रिव्यू के बाद जो फैसला आया वो था कि आउट है, और जिस तरीके से शुभमन गिल ने वो बहुत ही अच्छे तरीके से कैच लिया। उसके बाद अश्विन ने अपना 5 विकेट होल लिया और अश्विन ने अपना 33वां 5 विकेट होल लिया, और इसके साथ ही अश्विन ने दोस्तों दिखा दिया कि उनको क्यों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं खिलाया गया, उनको खिलाना पड़ेगा। जिस तरीके से अश्विन ने बॉलिंग की है बहुत ही शानदार और जानदार किस्म की माइंड ब्लोइंग बॉलिंग की अश्विन ने, जिस तरीके से अश्विन अपने माइंड का यूज़ करके बॉलिंग करते, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की टीम जब इंडिया में BGT खेलने आई थी बॉर्डर क्रॉस पर ट्रॉफी खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया में आए थे ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ने डमी स्पिनर नहीं रखा था अश्विन के जैसा हुबहू और जैसे अश्विन की तरह बॉलिंग कर सके, लेकिन पूरी दुनिया में अश्विन एक बॉलर ही ऐसा है जिसकी कोई डमी नहीं है, जो इसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती। और ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से BGT में अश्विन ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों को अश्विन को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खिलाना बनता था, चाहे क्यों ही पिच भी क्यों ना स्पिनर को हेल्प करने वाली पिच हो, बल्कि अश्विन को खिलाना पड़ेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने नेथन लायन को खिलाया था ऐसे ही दोस्तों इंडिया को अश्विन को खिलाना चाहिए था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जिस तरीके से इंडिया 200 रनों से हारा था वो नहीं हारता और कुछ अलग रिजल्ट होता। और दोस्तों रविचंद्रन अश्विन बने 6ठे गेंदबाज जिन्होंने दोस्तों 13 टाइम्स से ऊपर लिया है 5 विकेट ऑल। अश्विन रविचंद्रन अश्विन ने दोस्तों लिया 33 टाइम 5 विकेट होल, उनके पहले इस इंडिया में उनके पहले जो बॉलर है उनको तो आप बखूबी जानते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है अनिल कुंबले, जिन्होंने 37 टाइम 5 विकेट होल लिया। और सबसे ऊपर है मुतैया मुरलीधरन जिन्होंने दोस्तों तकरीबन 45 या 47 के आसपास 5 विकेट होल लिए, और उनके बाद दूसरे नंबर पे है शेन वॉन जिन्होंने दोस्तों 14 टाइम 5 विकेट होल लिया, और मुतैया मुरलीधरन ने दोस्तों 57 टाइम 5 विकेट होल लिया। मुतैया मुरलीधरन को तो कोई छू नहीं सकता, जिस तरीके से वो स्पिनर थे जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे थे वो और शेन वॉन बहुत ही शानदार किस्म की, उनके सामने तो कोई नहीं टिक सकता। और अश्विन ने दिखा दिया कि उनमें जो पावर है वो उनके सामने टिक सकते हैं। दोस्तों रविचंद्रन का साथ बखूबी दिया रविंद्र जाडेजा ने, RRR दोस्तों रविंद्र जाडेजा और रविचंद्र अश्विन की जोड़ी अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दोस्तों होती तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का रिजल्ट कुछ और होता और शायद और ही होता है, क्योंकि जिस तरीके से रविंद्र जाडेजा और रविचंद्रन अश्विन बैट्समैन को सेटअप करते हैं और उसके बाद जो विकेट लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ होता है। और जिस तरीके से दोनों दोस्तों बॉलिंग करते हैं, इंडिया की रीढ़ की हड्डी रविंद्र जाडेजा और रविचंद्र अश्विन है, और बैटिंग में भी दोनों का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट रहता है। इसलिए इंडिया ने जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया आ रहा है वो अगर इंडिया ने रविचंद्र अश्विन को खिलाया होता तो रविंद्र जाडेजा और रविचंद्र की अश्विन की जोड़ी दोनों की जोड़ी दोस्तों इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जितवा सकती थी, लेकिन रविचंद्रन अश्विन को दोस्तों पिच स्पिनर के सपोर्ट की नहीं थी इसलिए नहीं खिलाया गया। और इसकी बदौलत दोस्तों रिजल्ट तो आपके सामने ही है, क्या रिजल्ट आया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का। और दोस्तों कितने टाइम बाद इंडिया ने अपनी ओपनिंग पेयर बदल दी है, ओपनिंग पेयर में दोस्तों आ गए यशस्वी जयसवाल, इंडिया का यंग इमर्जिंग टैलेंट जो कि IPL में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर चुका है, वो दोस्तों इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में दोस्तों ओपनर की बदौलत आए हैं। उनका साथ दोस्तों देने वाले रोहित शर्मा, और क्योंकि चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप डाउन किया गया है इसलिए शुभमन गिल नंबर 3 पर आएगा, और उसके बाद नंबर 4 पे तो विराट कोहली आते ही है। और यशस्वी जयसवाल और रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छा आगाज किया, और जिस तरीके से यशस्वी जयसवाल ने जो रिवर्स स्कूप मारा इस तरीके के शॉट खेल रहे थे, क्योंकि अभी यंग लड़का है इसलिए टाइम लगेगा और अग्रेसिव तो होगा ही। साथ में रोहित शर्मा दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनको यशस्वी जयसवाल को अच्छे से गाइड करना है, अच्छे से उनको कहना है कि ऐसा शॉट आप खेले ऐसा मत करिए,
इस तरीके से गाइडनेस से दोस्तों और दोनों ने मिलकर 80 रनों की साझेदारी लगा दी है और इंडिया दोस्तों इस टेस्ट मैच में अपर साइड है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।